नमस्कार दोस्तों, मैं निशि बोरा चंपावत की हसीन वादियों से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज देखिए, दिन भर हो रही है बारिश और इतनी तेज़ बारिश है और ठंडा भी हो गया, तो हम लोगों ने तो स्वेटर भी पहन लिया है, क्योंकि आपको पता ही है कि पहाड़ों में तो थोड़ी बारिश होते ही ठंड हो जाती है। तो आज बहुत ठंड हो गई है, कंबल रजाई भी निकल गई है। आज तो चल रहा भारत पाकिस्तान का मैच, तो देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि भारत जीते। और फोन भी ना पूरा भर चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना, क्योंकि क्या होता है कि शाम को हम लोग एडिटिंग करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, फिर सुबह दूसरा ब्लॉग चालू हो जाता है, तो डिलीट करने का तो कुछ भी ध्यान नहीं रहता। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी बैठी हूँ, और बाहर भी वही वाली बात हो गई कि बारिश कराए आराम और धूप कराए काम। तो बारिश है तो आज आराम ही आराम है, तो मैंने कहा इससे इसी बारिश का फ़ायदा उठाते हैं और अपने फ़ोन को करती हूँ मैं खाली, यानी कि डिलीट मारती हूँ सब चीज़ में। बताओ यार, ऐसी बारिश में भी इन बंदरों को चैन नहीं आ रहा है। देखो तो जेके जा, चल अब क्या दौड़ता है, ले गया वो ककड़ी। देखो तो एक ककड़ी लगी हुई थी उसको भी ले गया यार। देख रहे हो ऐसी बारिश में भी क्या खाऊं क्या खाऊं, तो इनके लिए हो रही है क्या जो हमें ककड़ी। अब देखो एक ककड़ी लगी थी इसमें, वो भी तोड़ ले गया। भगाता क्यों नहीं है ये, इसकी हीरोपंती खत्म नहीं होती है। भगा जा, जल्दी जा वहां। अरे भगा के आती हूं मैं। बब्बा कितने सारे आए हैं, देखो तो पेड़ में पूरा पेड़ ही जो हिल रहा है। आ रही हूँ यहाँ पे मैं चाय, इसमें तल लेती हूँ मैं पापड़, और भारत पाकिस्तान का मैच देखते देखते चाय पापड़ का आनंद लेते हैं। बन गई है मेरी चाय भी और तल गए हैं मेरे पापड़, तो देखते हैं मैच और खाते हैं चाय पापड़। तो पी लेते हैं हम चाय और चल रहा है सामने मैच। हाँ नहीं तो ऐसा ही हुआ, फिर चलती है इनकी, देख रहे हो। बच्चों से कुछ नहीं कहेंगे लेकिन मुझ में कहो, मुझसे कहेंगे ये वो है कि नहीं। मुझे देख के इनकी छिट्टी पिट्टी गुम होती है को। देख रहे हो जैसे कैमरा आ जाता है इतने सीधे बन जाते हैं ना, आप क्या बताऊं मैं। मैच का क्या चल रहा है हाल है? हैं बारिश, अरे यार यहाँ भी बारिश वहां भी बारिश। बताओ मैच देखेंगे करके अच्छे से चाय वाय बना के लाई थी, पापड़ वापड़ खिची यार खाली तल दिए मैंने, मैच में तो बारिश आ गई। अरे मैच के लिए लाई, तो मैं सोची थी यहाँ पे बैठ के आराम से मैच देखूंगी, मैच में हो गई है बारिश। अब बताओ सुहानी आज जरा उदास उदास सी है ना, कल बाबू कल उदास रहे है। गुस्सा रो कल है, बताओ पे मी देख बेरारो की बूब देख बेरे है, क्या देख बेरारो बाबू बूब देख बेरे। अरे कल कुना पे तुम ले ने, बार बार कुनान मोहनी मोहनी ने, हो दस वक्त बता हा क्या, अब बता दे एक बार मोहनी, अब बता दे, अब ले ना बतूनी नाम ना बतूनी अपनो मोहनी नाम थे देखो ना खाने वाले। सुहानी नाराज हो गई है भाई। हाँ ओ आ ई ई उ उ ए उ उ ए ए आई ओ औ अंकल पटा बाबू शाबाश का देरी। ए हाँ बाबा ये सब उन्होंने आई बता दे। बस देखा ए बी सी डी आवाज सब एक ही में बना दिए। गुड 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 गुड। तेरे घर कहाँ भाई पे बताओ? अमून अमून, अरे यहाँ बड़ी छे कि वहाँ? अरे तुमरो घर वहाँ भयो पे, यहाँ बड़ी चंपावत बड़ी छे कि अमून बड़ी भय? ज्यादा बड़ी ज्यादा कहाँ छे ज्यादा वाला
वाले अरे यहाँ कब मन ना लागने तेरो हैं नी जाची अब अरे कैसे तो जाली जीत सी तो जीतू को मीना जानो मैं भांग के बीज और इनको मैं मिक्सी में डाल के पीस लूंगी और आलू मूली को मैंने कुकर में डाल के उबाल लिया है। सारे मसाले डाल के हल्दी मिर्च नमक और जीरा धनिया सब डाल के उबाल दिया है और कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने और तेल डाल दिया थोड़ा सा और ये भांग के बीजों को मैं मिक्सी के जार में डाल के पीस लूँगी और अभी लहसुन को भी मैं कूट दूँगी। और आज ठंडा है तो ठंड में ये वाली सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। पहले तो सिलबट्टे पे पीसते थे और यूं ही उबाल के बनाते थे, अब अभी थोड़ा बहुत हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें ना लहसुन का तड़का बहुत टेस्टी लगता है, कभी बना के देखिएगा और बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। और ये हमारे पहाड़ों की सब्जी है, जाड़ों में खाया जाता है जिसे। और ये लहसुन कूट दिया मैंने, इसमें मैं डाल देती हूँ लहसुन का है, इसका तड़का बहुत टेस्टी बनता है। मैं थोड़ा सा इसमें जीरा इसको थोड़ा सा भून लेंगे। मैंने आपको बताया था मैंने कुकर में मूली को सारे मसालों के साथ उबाल लिया था, नमक जीरा धनिया हल्दी मिर्च सब कुछ डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से उबाल लिया है, जिससे क्या है ये अच्छे से पक गई है। तो हम थोड़ा सा भून लेंगे, मतलब सुनहरा होने तक। और मैंने थोड़ा सा ना मोटा मोटा ही काट दिया था क्योंकि ये सब कुकर में तो पक ही जाता है। अब ये हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे ये सब्जी को और बहुत टेस्टी बनती है। बनाई है कभी वैसे पहाड़ में तो ये बनाते हैं अक्सर। इसको मैश कर देते हैं हल्का सा, ज़्यादा नहीं। आलू और मूली है बस। आज बारिश बहुत हो रही है और लाइट भी ना बार बार आँख की चोटी खेल रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है, पता नहीं क्या है। अब इसको हम थोड़ी देर इस तरह से भून लेंगे और ये पका हुआ तो है, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा पकाना है भांग को। और भांग में डाल देंगे अब पानी। इस तरह से छन्नी में छान लेंगे इसको, अगर आपके पास इस तरह की छन्नी है तो ठीक है, नहीं तो आटा छानने वाली छन्नी से भी छान सकते हैं, लेकिन छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्या है वो छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं ना तो वो लग जाते हैं। बस ये छन गया है, एक बार और पानी डालेंगे इसमें मतलब मिक्सी के जार में और इसे फिर से दोबारा छान लेंगे। बस ये छन गया है, अब इसको डाल देते हैं कढ़ाई में और इसे खूब पकाएंगे क्योंकि भांग के दाने हैं ये ना, इसका पानी को अच्छे से पकाना चाहिए जरूरी। और बन जाती है सब्जी, तब तक आटा भी लगा लेती हूँ। और लगभग ये पक चुकी है, थोड़ी सी ठंडी होगी तो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और इसको ना थोड़ा ठंडा करके ही खाते हैं, बिल्कुल गर्म गर्म नहीं खाते इसे। तो अभी हरा धनिया अगर होता तो मज़े आ जाते, लेकिन क्या करें हरा धनिया की कमी हमेशा ही रहती है। बन गई है ये सब्जी, इसमें डाल देते हैं ऊपर से घी क्योंकि आज रोटी में घी नहीं लगेगा तो सब्जी में घी लगेगा। तो दे देते हैं अब बोरा जी को खाना, लाइट भी चली गई है। दे दिया खाना, क्या बन रहा स्वाद? आलू मूली की भांग डाल के कैसी बनी है, क्योंकि आज बहुत टाइम के बाद शायद इस सीजन की तो फर्स्ट ही सब्जी है ये। बहुत टेस्टी बनी है, अच्छी बनी है। चलो साकार हो जाता है मेरा बनाया हुआ कि जब ये कहते हैं ना बहुत टेस्टी बनी है। तो चलो फिर मैं भी खा लेती हूँ अब खाना। और अब हमने खा लिया है खाना और यकीन मानिए कि सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी ना कि मैं क्या बताऊँ। अगर आप बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये सब्जी कितनी स्वाद होती है। तो ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगले वीडियो के साथ जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।